नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। गणेश चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश घर घर विराजित होते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। गली मोहल्ले में जगह जगह भगवान गणेश को विराजमान करने के लिए पंडाल भी सजाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रसाद। भगवान गणपति को हर दिन अलग अलग चीज़ों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए आइए जानते हैं वो कौन से भोग हैं जिनसे भगवान गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। बात करें अगर गणेश उत्सव के पहले दिन की, तो गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरे दिन आप भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू भोग लगा सकते हैं, जो उन्हें काफ़ी अति प्रिय हैं। इसके बाद तीसरे दिन विघ्नहर्ता गणेश को बेसन के लड्डुओं का भी भोग लगाया जा सकता है। यह भी बप्पा के खास व्यंजनों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी देवी देवताओं को फल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा के चौथे दिन भगवान गणेश को आप केले का भोग लगा सकते हैं, जो शुभ माना जाता है। पांचवें दिन की अगर बात करें तो आप घर में बनी मखाने की खीर भी भगवान गणेश जी को भोग के लिए लगा सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही नारियल का हिंदू धर्म में पूजन कार्य, यज्ञ, हवन आदि में विशेष महत्व है। इसलिए छठे दिन आप प्रसाद के रूप में नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। गुड़ का प्रसाद अति शुभ माना गया है। अगर इसे आप घी में सेक लेते हैं तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यह एक पारंपरिक भोग है जो भगवान गणेश को बहुत पसंद आता है, इसलिए आप इसे सातवें दिन भोग के रूप में लगा सकते हैं। बात करें अगर आठवें दिन की, तो भगवान गणेश को मोदक के बाद अगर कोई मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है लड्डू। आप मोतीचूर और बेसन के अलावा मावे के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। और उत्सव के नौवें दिन आप दूध से बना कलाकंद और खोपर पाक जैसी स्वादिष्ट मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दूध और घी से बनी मिठाइयाँ भी आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। और उत्सव के आखिरी दिन यानी कि दसवें दिन आप 56 भोग लगा सकते हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है और साथ ही भगवान के इस भोग को अन्नकूट भी कहा जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और रोचक कहानी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।